Good evening, friends. Myself, Keshav Kumar, teaching mathematics in JEE last 10 years. Now, I am discussing about the calculus. This is the introduction of calculus. Calculus is divided into two parts. First one is the differential calculus and second one is the integral calculus. In differential calculus, जैसे कि आपको पता है कि इसको दो पार्ट में जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर में जितने सारे टॉपिक्स हैं सभी को मैं वन बाय वन यहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। नंबर वन टॉपिक है सेट रिलेशन एंड फंक्शन। जैसा आपको सेट्स के बारे में थोड़ा बहुत आपने नाइन्थ क्लास में इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, टेंथ में, नाइन्थ या टेंथ में सेट्स के बारे में आप जानते होंगे। यदि नहीं भी जानते हैं तो मैं उसको बिल्कुल जीरो लेवल से उसको लेकर मैं ऊपर उठूंगा। तो एक सेट्स हो जाता है 11th में और बाकी रिलेशन एंड फंक्शन इसके 12th में हो जाता है। बट इसको जेई के कंबाइंड टॉपिक में यदि इसका नाम लिया जाए ना तो सेट रिलेशन फंक्शन बोला जाता है इसको। सेकेंड टॉपिक जैसा कि आपको डिफरेंशियल कैलकुलस में ही सेकेंड टॉपिक जो है आपका लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो जो लिमिट वाला पोर्शन है उसको अपन 11th में रीड करते हैं और बाकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी 12th के टॉपिक्स हैं। बट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बोथ डिपेंड ऑन लिमिट। नेक्स्ट वन वंस अगेन थर्ड नंबर जिसको आप डेरिवेटिव बोलते हो। जैसा आप डेरिवेटिव अपने फिजिक्स में एक हद तक बहुत मतलब बेसिक्स लेवल पे आपने डेरिवेटिव का यूज किया होगा, आप सबको पता है फिजिक्स में। तो यहां पे इसका नाम हो जाता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन के बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सभी में से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आप ए मानिए कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव डिफरेंशियल कैलकुलस का रीड इसको बोला जाता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का। जिस तरह से पूरे मैथ्स का रीड, यदि मैथ्स में पूरा रीड की बात करूं तो कैलकुलस एक रीड की तरह बिहेव करता है। आप ओवरऑल ए मानिए कि कैलकुलस सेक्शन से पूरे चाहे कौन सा भी एग्जाम, बिल्कुल आपका स्टेट बोर्ड से लेकर के जेई एडवांस के बीच में जितने सारे एग्जाम्स होते हैं, जैसे स्टेट बोर्ड हो गया आपका, सेकेंड जो हो गया आपका एमएससीटी हो गया, थर्ड वन जो बिटसेट की बात कर रहा हूं, वीआईटी ट्रिपल ई की बात करूं, चाहे एसआरएम जेई की बात करूं, जेई मेंस की बात करूं, जेई एडवांस की बात करूं, ये सारे एग्जाम्स में कैलकुलस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसका पूरा बेसिक की बात करूं तो पूरा ए मानिए कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। इवन आप ये मानिए कि जब डिफरेंशियल कैलकुलस से कुछ सवाल बनते हैं तो ज्यादातर सवाल एग्जाम में जब टच होता है तो आप ये मानिए कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से ही ज्यादातर सवाल टच होते हैं। और नेक्स्ट वन की बात कर रहा हूँ, इंटीग्रल कैलकुलस की बात कर रहा हूँ। तो आप नेक्स्ट पार्ट में जैसा कि आप देख रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस में भी इसको चार पार्ट में इसको भी डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। आपने इंटीग्रेशन एक बेसिक लेवल पे कुछ इंटीग्रेशन भी आपने फिजिक्स में यूज किया होगा, बट वो बिल्कुल बहुत ही निम्न लेवल पे आपने यूज किया होगा, उसको अपन बहुत अच्छे अच्छे लेवल तक अपन देखेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। और जब आपको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन अच्छे तरीके से आ जाएगा तो उसमें आपका डेफिनिट के कुछ इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हमें इंडेफिनिट को भी आसान बना लेंगे अपन। नेक्स्ट वन बात करूं एरिया अंडर द कर्व की, तो एरिया अंडर द कर्व को अपन बोलते हैं क्या डेफिनिट इंटीग्रेशन के, कहीं कहीं इसको एप्लीकेशन में ही इसको बोला जाता है, जिसको कहीं कहीं टॉपिक में एरिया अंडर द कर्व दिया जाएगा, कई टॉपिक में इसको लिखा हुआ रहेगा एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वन की बात कर रहा हूं, लास्ट वन टॉपिक जो है आपका इंटीग्रल कैलकुलस के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। अब ओवरऑल इसके पूरा इंट्रोडक्शन में एक बात मैं आपको एक बहुत सा इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूं। टिल जितने सारे एग्जाम्स होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, चाहे इवन आपका बोर्ड क्यों ना हो, बोर्ड से लेकर के जितने सारे एग्जाम्स होते हैं, आप ये मानिए कि 30-40% भी मैंने बोला तो बहुत कम बोला, यानी आप 40-45% की बात भी करोगे तो भी कम पड़ेगा। आप ये मानिए कि पूरे सिलेबस से आप 40-45% क्वेश्चंस जितने एग्जाम में जितने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 40-45% क्वेश्चंस कैलकुलस के होते हैं। अब बात कर रहा हूं कैलकुलस की, चाहे आप स्टेट बोर्ड की बात कर रहे हो, स्टेट बोर्ड में भी आप ये मानिए कि नियर अबाउट 30 मार्क्स आपको 5 सेकेंड का जो एग्जाम होता ना 30 मार्क्स उसमें आते हैं विथ ऑप्शन, क्योंकि आपको पता कि स्टेट बोर्ड में भी दो पार्ट में एग्जाम, जो सेक्शन वन सेक्शन टू की जो बात कर रहा हूं, तो इसमें शायद से आपको स्टेट बोर्ड के बुक में M1 और M2 की बात किया जाएगा,
तो वहां पे जो M2 वाले पोर्शन है, M2 वाले पोर्शन में पूरा आपको कैलकुलस का पोर्शन ही है, उसमें और भी है, बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन सॉरी हटा दिया पॉइजन सिलेबस से, अभी ओनली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा वहां पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो 40-45% क्वेश्चन आपको कैलकुलस नहीं मिलेंगे, यानी बोर्ड में आप ये मानिए कि आपका 30 मार्क्स जो भी हो गया स्टेट बोर्ड के लिए हो गया, जो स्टेट बोर्ड भी आप ये मानिए कि 12th में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, आपको 75% मार्क्स तो लाना ही है यदि आपको आईटी कॉलेज में जाना है तो, आप ये मानिए तो 75% मार्क्स लाने के लिए आप ये मानिए कि 30 मार्क्स तो आपको कैलकुलेशन दे रहा है वहां से सेकेंड पोर्शन का जो आपका एग्जाम होगा उसमें। नेक्स्ट अब बात कर रहा हूं एमएनए स्टेट बोर्ड की बात कर लिया, नेक्स्ट वन मैं बात कर रहा हूं इसके नेक्स्ट वाला एग्जाम जो है आपका एमएसटी सीईटी की बात कर रहा हूं, तो एमएसटी सीईटी के लिए मार्क्स एनालिसिस जब करूं तो आप 20 से 23 क्वेश्चंस ऑलवेज पूछे जाते हैं। टिल नाउ मैंने 2-3 साल के पेपर को एनालिसिस किया और इसमें हमेशा मैंने ये देखा कि 20 क्वेश्चन तो कहीं नहीं आते, कभी कभी 23 तक पहुंचा हुआ है क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है, तो आप ये मानिए कि 20 से 23 क्वेश्चंस यदि आपके सीटी के एग्जाम में आते हैं आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और आपको ये भी पता है सीटी में मार्किंग स्कीम आपको नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप इनटू टू आप जोड़िए कि 40 मार्क्स आपको कितने आउट ऑफ 100 मार्क्स आपको क्या दे रहा है कैलकुलस दे रहा है, यानी आप ये मानिए कि 40% मार्क्स तो आपको कैलकुलस यहां से मिनिमम लेवल पे भी देखो तो यहां से मिल रहा है। बात करूं इसके आगे की बात करूं जब बिटसेट की बात कर रहा हूं तो बिटसेट में भी टिल नाउ जितने सारे पेपर्स भी मैंने टिल नाउ देखे हैं तो बिटसेट में भी पूरे क्वेश्चंस जितने सारे क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस मोस्टली आप ये मानिए कि 10-12 क्वेश्चंस आपको यहां से कैलकुलस से मिलने वाला नहीं होता, 12-15 क्वेश्चंस होते ही होते हैं बिटसेट में भी। अब जैसे कि बिटसेट की बात कर रहा हूं, बिटसेट की बात हो गया इसमें क्या होता मार्किंग स्कीम इसके +3, -1 मार्किंग स्कीम होता बिटसेट में, सही होने के बाद +3 गलत होने के बाद -1 मिलता है इसमें। नेक्स्ट एग्जाम की बात करूं वीआईटी ट्रिपल ई की बात कर रहा हूं तो नेक्स्ट एग्जाम हो गया वीआईटी ट्रिपल ई की बात कर रहा हूं तो वीआईटी ट्रिपल ई में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 होते हैं मैथ्स के लिए 40 क्वेश्चंस होते हैं। अब ये 40 क्वेश्चंस की जब बात करूं तो ये आप मानिए कि 40 क्वेश्चन में से इसमें भी और ये जो भी एग्जाम्स की मैं बात कर रहा हूं आप ये मानिए कि इसका टफनेस लेवल की जब बात कर रहा हूं तो आप ये मानिए कि सीटी और मेंस के बीच के जो लेवल है ना वो टफनेस लेवल इसके बीच में ही होते हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं बच्चे प्रिपरेशन करने के लिए उनका सबसे पहले मेन क्या होता है एम उनका रहता है कि यार हमें जेई मेंस करना है या तो हमें एमएससीटी करना है, बाकी इसके अच्छे अच्छे एग्जाम जो होते हैं बीच में एक दो एग्जाम होते हैं उसको बच्चे कॉन्सेंट्रेट करते ही नहीं है। यदि आप उस लेवल पे जिस लेवल पे आपने तैयारी किया है यदि उस लेवल पे आपने यदि बिटसेट और वीआईटी ट्रिपल ई को भी आपने दे दिया इसमें से एक कॉलेज की जो मैंने हमेशा क्लास में मैं बोलता आया हूं कि जो विट्स पिलानी की बात करता हूं यहां से मैं क्या किसकी बात करता हूं वीआईटी वेलोर की बात करता हूं बस ये दो कॉलेज के अलावा मैं तीसरे कॉलेज का नाम भी नहीं लेता हूं क्योंकि इसको प्राइवेट कॉलेज है नो डाउट लेकिन एक अच्छे लेवल का कॉलेज को माना जाता है एक अच्छा प्लेसमेंट भी यहां से मिल जाता है। खैर इसकी बात अपन बाद में भी कर लेंगे कोई बात नहीं। वीआईटी ट्रिपल ई की बात का जो एग्जाम मैं बोल रहा हूं आपको सभी इसके बारे में आप जानते हो जो जेई मेंस जो मोस्ट पॉपुलर एग्जाम जो सब हर कोई बोलते हैं कि मुझे जेई मेंस का प्रिपरेशन करना है लेकिन आप ये मानिए कि जेई मेंस के प्रिपरेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो अभी रिवाइज पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं 25 क्वेश्चंस तो 25 क्वेश्चन में से आप ओवरऑल की बात करूं तो 6-7 क्वेश्चन यानी कहने का मतलब कि हमेशा मतलब 6-7 क्वेश्चन ऑलमोस्ट यहां से जेई मेंस में कैलकुलस से होते ही है। आप ये मानिए कि 6-7 क्वेश्चंस यदि हो रहा है तो जेई मेंस के कट ऑफ कहां तक जाते हैं कट ऑफ की जब बात कर रहा हूं एक साइड ही एक कट ऑफ को मान के रख लेता है एक सिंगल सा कैलकुलस ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल एक तरफ खींच लेता है सारे मार्क्स को। आप ये मानिए कि 5-6 क्वेश्चंस यदि यहां से सही आ रहे हैं तो +4-1 के स्कीम पे यदि काम कर रहे हो तो नो डाउट कि एक क्वेश्चन पे आप मतलब 6-24-28 मार्क्स के बीच में आप यहां से मार्क्स ले आते हो कैलकुलस से भी आप ला सकते हो। ये आपका पूरे मार्किंग स्कीम है ये मार्किंग स्कीम आपको मैंने सारी चीज इसको इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं 1x1 सारे टॉपिक पे मैंने पूरा डीपली एक्सप्लेन करूंगा बिल्कुल 0 लेवल से इसको एक्सप्लेन करूंगा आप पे थोड़ा सा ध्यान दे करके 100% आप अपना दीजिए
आपको सारे टॉपिक वन बाय वन में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आपको मैं देता हूं, जिसमें अभी आप एक हेडिंग दे दीजिए, अभी आप हेडिंग दीजिए सेट रिलेशन एंड फंक्शन। नाउ वी मूव द फर्स्ट टॉपिक सेट्स रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके सारे डेफिनेशन मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसा कि लिखा हुआ भी है, आप लिखते भी चलिए, नोटबुक और पेन दोनों साथ में रखिए और लिखते भी चलिए आप। जैसा सेट के डेफिनेशन की बात कर रहा हूं, जैसा अपने नाइन्थ में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो कि सेट क्या होता है। जैसा सेट के बारे में जैसे अपन बोलते हैं तो एक ख्याल इस तरह से आता है कि कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज द सेट। अब ऑलरेडी मैंने ए एप्लीकेशन मतलब डेफिनेशन में ऑलरेडी मैंने यहां पे मेंशन कर दिया हूं, ए सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसको अपन क्या बोल लेते हैं, सेट बोल लेते हैं। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के जो तरीके हैं, दो तरह के तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं यहां मेंशन कर दिया हूं, देयर आर टू मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट। नंबर वन इज द रोस्टर फॉर्म। अभी ये रोस्टर फॉर्म को अपन टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। जैसे टेबुलर फॉर्म का मतलब क्या हुआ, आपने सुना होगा कि कर्ली ब्रैकेट में कोई डेटा अपन लिखते हैं जनरली। जैसा आपने कोई डेटा सपोज दैट मैंने कर्ली ब्रैकेट में इस तरह से लिख दिया 3, 5, 6, 7, 9, इस तरह से मैंने एक कर्ली ब्रैकेट में लिख दिया, तो कर्ली ब्रैकेट में इंडिकेट करना यानी कहने का मतलब कि रोस्टर फॉर्म ही रिप्रेजेंट कर रहा है। और सेट बिल्डर फॉर्म की बात कर रहा हूं, इसका भी एक थोड़ा सा थीम मैं आपको बता देता हूं। सेट बिल्डर फॉर्म में कोई एक कंडीशन दिया रहेगा, उसके बाद सच डेट करके कुछ भी स्टेटमेंट एक और भी लिखा हुआ रहेगा इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा इसके। अब सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं रोस्टर और टेबुलर फॉर्म की जो बात कर रहा हूं, तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में ऑलरेडी इसके डेफिनेशन और इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी मैंने ऑलरेडी नीचे मेंशन किया है। इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, यानी सारे एलिमेंट इसको ऊपर लिख सकते हैं रोस्टर फॉर्म में। बट यदि मैं कंपैरेटिवली बात कर रहा हूं सेट बिल्डर फॉर्म की, तो उसमें सारे एलिमेंट अपन मेंशन नहीं कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने दे दिया कि ग्रेटर देन 2 नंबर की बात कर रहा हूं, तो ग्रेटर देन 2 नंबर यानी एक कंडीशन गिवन होगा इसमें, और ग्रेटर देन 2 नंबर तो बहुत सारे हो सकते हैं, अनंत नंबर हो सकते हैं। तो अभी आपको एक बात जानना है कि सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म में डिफरेंस भी आपको यहां से समझ में आ जाएगा और इसके डेफिनेशन भी आपको क्लियर होते जाएगा वन बाय वन। तो मैं यहां पे सबसे पहले नंबर 1 पे आ रहा हूं, इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड। ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसमें सारे एलिमेंट लिस्टेड होते हैं। एग्जांपल की जब बात कर रहा हूं, एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने इसमें लिख दिया हूं, द सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 7। अब आप मुझे बताइए कि यहां पर कंडीशन क्या बोल रहा है, ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर बट लेस देन कितना है 7, 7 से छोटा और सारे पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं इवन। तो अब आप बताइए, पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा हूं, नेगेटिव की बात नहीं, तो कितना 2, 4 और 6 आ जाएगा। तो 2, 4, 6 को मेंशन किया यहां पे, बट मैंने आपको पहले ही इंडिकेट किया था कि इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो इसको कर्ली ब्रैकेट में लिख करके इसको मैंने क्लोज कर लिया, यानी कर्ली ब्रैकेट से ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कौन सा फॉर्म हो गया, रोस्टर फॉर्म, जिसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं अपन। अब इसमें कुछ बात जो हमें बहुत याद रखने होगी, कुछ बातें हैं जो मैंने इसमें नोट माइंड में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बातें, इसको थोड़ा सा ध्यान में रख करके लिखिएगा। जैसे नोट पॉइंट में नंबर 1 पॉइंट की जब बात कर रहा हूं, तो इसमें ऑलरेडी मेंशन है कि ऑर्डर इन व्हिच आर नॉट नीडफुल, कोई जरूरत नहीं है इसमें कोई ऑर्डर का लिखना नहीं है। आप पहले इसमें 3, 5, 6, 9 जैसे आपने लिखा, आप यदि तुम आप चाहते नहीं है तो पहले आप 9 भी लिख सकते हैं, पहले 3 भी लिख सकते हैं, देन 5 भी लिख सकते हैं, देन उसके बाद 6 भी लिख सकते हैं। नॉट नेसेसरी, कोई जरूरत नहीं है कि इसमें ऑर्डर को आप मेंशन करना है, ऑर्डर बिल्कुल भी मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। यदि है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड थिंग, सेकेंड नोट पॉइंट में मैंने यहां पे मेंशन किया, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन रोस्टर फॉर्म। अभी आप मानिए कि एलिमेंट्स इसमें रिपीट नहीं होगा। सपोज दैट कि कोई एलिमेंट में यदि सपोज आपने यूनियन और इंटरसेक्शन की बात आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा यूनियन, तो मैं एक बात आपको यहां पे थोड़ा सा मैं इरेज करके बातें मैं लिख रहा हूं इसमें। सपोज दैट एक सेट मैंने ए मान लिया 2, 3, 5, 7 इस तरह से मान लिया, और एक सेट मैंने बी एज्यूम कर रहा हूं 1, 3, 2, 5 इस तरह से मैंने सेट बी मान लिया। यदि आप यूनियन की बात कर रहे हो, यूनियन का मतलब क्या, आपने
नाइन्थ क्लास में थोड़ा सा बेसिक देखा होगा, यदि नहीं भी जो जानते हो थोड़ा सुन लीजिए, आपको सारी जानकारी क्लियर हो जाएंगी। यूनियन का मतलब कि ये दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करके लिखना, और जो एलिमेंट, अब बात जब लिखने की हुआ है तो इसमें देखा जा रहा है कि कुछ एलिमेंट जो है टू इसमें है तो टू इसमें भी है, थ्री इसमें भी है, फाइव इसमें है तो फाइव इसमें भी है। तो एक क्वेश्चन मार्क अपने दिमाग में आ रहा है कि क्या ये एलिमेंट को अपन दो बार लिखना है या एक ही से काम चलेगा। तो इसके लिए नोट पॉइंट यहां पे जो बात बता रहा है कि एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड इन रोस्टर फॉर्म, तो आप एक बात ध्यान रखिए कि एलिमेंट कभी भी लिखना है तो एक ही एलिमेंट होगा। आप इसको वन तो चलो लिख दिया, वन तो एक ही है दोनों में, यूनियन की बात कर रहा हूं, बात कर रहा हूं टू का, तो टू यहां भी है और यहां भी है, तो क्या मैं दो टू लिखूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपना नोट पॉइंट सेकेंड नंबर है, नोट पॉइंट वो अपने को यहां पे ब्रेक लगा रहा है कि आपको एक ही लिखना है, आपको रिपीट नहीं करना, नॉट रिपीटेड, ध्यान रखिए, बट को ध्यान रखिए, नॉट रिपीटेड, यानी आपको एक ही से काम चलाना है, यानी वन कॉमा टू, देन अब बताइए थ्री, थ्री की बात कर रहा हूं, थ्री भी दो बार है तो थ्री को भी रिपीट नहीं करेंगे अपन, तो कितना हो जाएगा बताइए, आप लोग बताइए, थ्री, देन कितना होगा बेटा बोलिए, फाइव, देन नेक्स्ट वन इज द कितना, सेवन, यानी दिस इज द ए यूनियन बी। ए दोनों नोट पॉइंट आपको इसमें क्लियर तरीके से ध्यान रखना है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे तरीके से लिखें, समझ के लिखें। जहां पे आपको प्रॉब्लम हो रही है, जो बातें आपको थोड़ा समझ में नहीं आया, उसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके वहां पे आप 2 सेकेंड ज्यादा टाइम दीजिए, समझिए, नहीं आता है उसको डार्क करके मुझे उसको स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं उसमें आपको हेल्प करूंगा। अच्छे से नोट डाउन करिए। जैसे कि आपने अभी रोस्टर फॉर्म के बारे में जानकारी मैंने आपको शेयर किया, तो उसी का सेकंड पार्ट है, जिसको रिप्रेजेंटेशन का सेकंड पार्ट जिसको अपन बोलते हैं सेट विल्टर फॉर्म। तो सेट विल्टर फॉर्म का डेफिनेशन की जब बात करूं मैं, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पजेस ए सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक सिंगल प्रॉपर्टी या तो सिंगल कंडीशन पे जो डिपेंडेंट होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, सेट विल्टर फॉर्म बोलेंगे। और सेट विल्टर फॉर्म में कहीं डिजिट नहीं होता है, कहीं डिजिट अपन जिस तरह से अपने रोस्टर फॉर्म में डिजिट लिखे हैं 2, 4, 6, 8 जिस तरह से आपने लिखे हैं, यहां पे डिजिट की जरूरत नहीं है, यहां पे सिंगल सा कंडीशन पे काम होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल यहां पे ऑलरेडी लिखा हूं, v इज इक्वल्स टू करली ब्रैकेट दिया हुआ है और x इज सच दैट, कंडीशन है x इज वोवेल, कंडीशन क्या है, x इज सच दैट, इसको रीड किस तरह से करेंगे, x इज सच दैट, x इज वोवेल, कहां से वोवेल होगा, इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इस तरह से, और यदि इसको सेट विल्टर फॉर्म से यदि मुझे रोस्टर फॉर्म में बदलना होगा, तो अभी आपको रोस्टर फॉर्म में यदि इसको लिखना होगा तो v इज इक्वल टू, वी कैन राइट टोटल वोवेल कितना होगा, a e i o u। अभी आपको ये दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि सेट विल्टर फॉर्म किसको बोलेंगे और रोस्टर फॉर्म किसको बोलेंगे। सेकेंड ऑन एग्जाम्पल में वंस अगेन मैंने यहां पे लिखा एक सेट, मैंने एज्यूम किया a, कंडीशन है यहां पे x इज सच दैट, x इज नेचुरल नंबर, अब x इज जैसा कि नेचुरल नंबर दिया हुआ है और कंडीशन यहां पे लिखा हुआ कि x किसके बीच में लाई कर रहा है, 1 और 5 के बीच में लाई कर रहा है। जब x 1 और 5 के बीच में लाई करेगा तो अभी इसका आप मुझे बताइए कि यदि मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो a का वैल्यू कितना होगा। अब आपको यहां पे चेक करना है क्या 1 और 5 इंक्लूडेड है, तो बिल्कुल नहीं, 1 भी इंक्लूड नहीं कर रहा और 5 भी इंक्लूड नहीं कर रहा, तो 1 और 5 के बीच के जो नेचुरल नंबर है उसको मुझे यहां पे मेंशन करना है, तो मैं लिख सकता हूं 2, 4 आ जाएगा 1 और 5 के बीच में। यदि सपोज दैट यहां पे इन इक्वेशन यदि होल्ड किया होता, 1 और 5 भी होल्ड किया होता, तब जाके आप मुझे बताइए कि तब जाके इसके में क्या बदलाव आता। सिंपल सी बात है, यानी कहने का मतलब कि यहां से हमें कंडीशन में जब यहां पे इक्वेशन होल्ड किया है, यानी 1 को भी लेना है और 5 को भी लेना है, तो 1 और 5 के बीच में सारे नंबर्स कितने होंगे, 1 देन 2 देन 3 4 देन 5, ये सारे नंबर्स हो गए। तो दो तरह के जो आपने रिप्रेजेंटेशन टेक्निक देखा सेट्स का, नंबर वन रोस्टर एंड सेकंड वन इज द सेट बिल्डर, दोनों के बीच में डिफरेंस आपने इस एग्जांपल के थ्रू आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं कुछ बेसिक से सेट्स हैं जिसका यूज अपने को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं कहीं इसके यूज में आते ही आते हैं।
जैसे कहीं आपको मेंशन रहा एम्प्टी सेट, जैसे नाम से अपने को समझ में आ रहा है कि एम्प्टी सेट मींस व्हाट, नल सेट जिसको अपन बोलते हैं, उसमें कोई एलिमेंट होनी नहीं चाहिए, यानी ए सेट विच डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट। क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, मैंने ऑलरेडी यहां पर लिख रखा है कि सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, और इस एम्प्टी सेट को कहीं कहीं नल सेट भी बोला जाएगा और कहीं कहीं इसको व्हाइट सेट भी बोलते हैं। इसके मतलब एम्प्टी सेट, व्हाइट सेट और नल सेट, यानी कहने का मतलब इसको इंडिकेट की जब बात करूं तो कोई इंडिकेशन, सपोज दैट मैं यदि यहां पे लिख दूं, लिखना चाहूं, तो यदि कोई सेट एम्प्टी है तो उसमें अपन डिनोट किससे करते हैं, फाई से डिनोट कर लेते हैं, यानी ए इज इक्वल टू, जब मैंने लिखा कर्ली ब्रैकेट में फाई लिखा, फाई रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, फाई रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एम्प्टी सेट रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है, बराबर है। नेक्स्ट बेसिक सेट की बात कर रहा हूं, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। अब जैसे कि इसके नाम से ही कुछ बातें हमें क्लियर हो जाती है, जैसा फाइनाइट हमें पता है कि इतना ही तक लिखना है, इनफाइनाइट का मतलब कि हमें कुछ पता नहीं है, ये चलते रहेगा सीरीज, एस ऑन चलते रहेगा सीरीज, तो उसको अपन नाम से ही, जैसा कि यहां पे मैं इसके डेफिनेशन लिखा हुआ है, ए सेट विच कंटेन्स डेफिनाइट एलिमेंट्स, डेफिनाइट एलिमेंट ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं, डेफिनाइट एलिमेंट यानी एक समय के बाद हमें रुकना है, एक कंडीशन दिया हुआ है, जैसे 1 टू 5 के बीच में बोला हमें 5 के बाद 6 पे नहीं आना है, तो इस तरह के सेट्स हो गए जिसको अपन क्या बोलते हैं, फाइनाइट बोल देते हैं। अब जैसे इनफाइनाइट की जब बात करूं तो इनफाइनाइट का मतलब क्या होगा, जो फाइनाइट नहीं होगा वो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, सिंपल सी बात, ऑलरेडी मेंशन किया मैंने, अदरवाइज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। अब यहां पे कुछ बातें नोट करने के होंगे, कुछ बातें हैं जो कि मैंने यहां पे ऑलरेडी मेंशन किया है, कभी भी इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। आखिर ऐसा क्यों, रीजन क्या है, क्यों नहीं कर सकते हैं? सपोर्ट मैंने अभी कुछ, मैंने पहले ही जब एग्जांपल में बता रहा था रोस्टर फॉर्म का, उसी टाइम मैंने एक बात की जिक्र किया था कि कोई एक इसमें यदि दिया हुआ रहेगा कोई एक नंबर, सपोज दैट कि x इज ग्रेटर देन 2 इतना लिखा हुआ रहेगा कंडीशन, तो क्या आप x इज ग्रेटर देन 2 के लिए क्या आप इतना लिख सकते हैं क्या कि x का वैल्यू 2 से बड़ा तो इनफाइनाइट तक पहुंच सकते हैं अपन, बराबर है, तो उतना लिखना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोस्टर फॉर्म बताता क्या है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट को आपको उसमें मेंशन करने हैं। तो ये बातें को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इनफाइनाइट सेट कभी भी रिप्रेजेंट नहीं होगा किसमें, इनफाइनाइट सेट के लिए, इनफाइनाइट सेट के लिए कभी भी इसको अपन रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये जानकारी अच्छे तरीके से लिखिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आऊंगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में अपन इसमें देखना चाह रहे हैं नंबर 3rd इज इक्वल सेट। अब यहां पे भी इसके नाम से हमें मालूम चल रहा है कि 2 सेट होगा और आपस में इक्वल कब होगा, उसके कंडीशन पे हमें थोड़ा सी बात करना है। तो यहां पे 2 सेट की बात कर रहा हूं, ए और बी 2 सेट यहां पे लिया गया है, जैसा एग्जांपल से ही मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन, डेफिनेशन तो बात की बात है, नो डाउट, पहले इसके एग्जांपल से ही आपको क्लियर हो जाएगा। एक सेट में आपको एलिमेंट मैंने लिया हूं 3, 5 और 7 एलिमेंट लिया हूं, और सेट बी में हमने लिया है 5, 3, 7। अब यहां पे बात किया जा रहा है कि क्या दोनों सेट आपस में इक्वल है, तो ये दोनों को इक्वल अपन कब बोलेंगे कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, ऑर्डर डजंट मैटर, ऑर्डर कोई मैटर नहीं काम करेगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला था, मैंने रोस्टर फॉर्म के डेफिनेशन में ऑलरेडी मैंने लिख के दिया, नोट पॉइंट में लिख के दिया कि ऑर्डर कहीं भी कोई नीडफुल नहीं है, इसमें कोई जरूरत नहीं है ऑर्डर का इसमें। तो सबसे पहले ये बात मानिए कि 3 है, बस ये देखना आपको कि प्रेजेंट है नहीं है दूसरे वाले में, तो 3 इसमें है तो 3 मुझे लग रहा है इसमें प्रेजेंट है, देन 5 इज ऑल्सो प्रेजेंट है, नेक्स्ट वन इज द 7 इज ऑल्सो है, यानी अब जाकर के और कोई ऐसा एलिमेंट है क्या इसमें कि जो प्रेजेंट नहीं है उसमें, सपोर्ट दैट। सेकंड, मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा रिफॉर्म कर रहा हूं, आप मुझे बताइए कि इक्वल है नहीं, यदि सपोज मैंने 1 यहां पे लिखा होता, लेट अस एज्यूम मैंने 1 लिखा होता, अब ए और बी की बात कर रहा हूं, अब आप बताइए मुझे कि ए और बी क्या दोनों आपस में इक्वल है, नहीं, क्यों नहीं, क्या रीजन, रीजन इसमें आपको दिख रहा है ना कि यहां पे 1 आ गया, इसमें यदि 1 होता कहीं भी तो इसको फिर से इक्वल बोल देते हैं। सपोज दैट यदि 1 मैंने यहां पे इसके बाद में मैंने 1 लिख दिया, अब क्या इक्वल है,
अब इक्वल बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन इसकी नो डाउट कि क्लियर हो गया है, यहां से क्या लिख के दिया, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी एंड वाइस वर्सा, दैट इज द बी के सारे एलिमेंट ए में मौजूद होने चाहिए, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। एग्जाम्पल से क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन सबसेट की बात कर रहा हूं। सबसेट में जनरली होता है क्या, जैसा जो अभी आपके इसके दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा, क्या सिमिलरिटी होगा, ये सारी चीजें मैं आपको शेयर करूंगा। तो सबसे पहले सबसेट की बात किया जा रहा है, मैं कुछ एग्जांपल से ही मैं आपको इधर समझाना चाह रहा हूं। लेट अस अज्यूम कि एक सेट मैंने लिख दिया 1 3 5 7 लिख दिया मैंने, और बी में भी लिख दिया मैंने, बी लिख दिया 1 3 5 ऐसा लिख दिया। थोड़ा सा समझिए मेरी बात को, पहले आप समझिए, एग्जांपल के थ्रू समझिए, डेफिनेशन ऑलरेडी सारे क्लियर हो जाएंगे। पहले एग्जांपल में मैंने आपको लिख के दिया, यहां पे एक सेट ए लिख दिया मैंने 1 3 5 7 और एक सेट बी लिख दिया 1 3 5 लिख दिया। अब जैसा कि मैं बोल रहा हूं आपको कि बी वाले सारे एलिमेंट क्या सेट ए में मौजूद है, ऑब्जर्व करिए 1 3 5 1 3 5 ऑर्डर कहीं भी रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं। बस आपसे मैंने एक सिंपल से सवाल पूछा, क्या बी के सारे एलिमेंट सेट ए में मौजूद है, तो आपका जवाब यहां से यस होना चाहिए, क्योंकि सारे एलिमेंट 1 3 5 तो अवेलेबल है ना। तब जाके इसको अपन इस तरह से रीड करेंगे कि बी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी बी क्या है, यहां पर सेट बी क्या है, सबसेट किसका है, ए का सबसेट है। रीजन क्या है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट इसमें मौजूद है। अब यदि दूसरी तरफ से अपन सोचते हैं ऐसा कि क्या ए के सारे एलिमेंट बी में मौजूद है क्या, तो आपका जवाब क्या होगा, नहीं। क्यों, क्योंकि आपको लग रहा है यहां पे वन है ना, वन यदि मैंने यहां पे इसमें दे दिया होता, वन यहां भी है, यहां भी है, थ्री यहां है, यहां पे फाइव है, सॉरी सेवन यहां पे नहीं है सेट बी में, तो आप इसको सबसेट नहीं बोल सकते। सबसेट का मतलब आपको एक बात ध्यान रखना है कि उसके सारे एलिमेंट किसमें होनी चाहिए, पहले वाले सेट में होनी चाहिए। जैसा यहां पे इसको यदि मैं लिखूं तो यहां पे इस तरह से इसको सिंबॉलिकली फॉर्म में लिखना होगा, B इज द सबसेट ऑफ, सबसेट का सिंबल इस तरह से बन जाता है, सबसेट ऑफ A, इसको इस तरह से लिखेंगे। ये आपका एग्जांपल मैंने यहां पे मेंशन किया हूं। अब इस एग्जांपल के माध्यम से अपन ऊपर के कंसेप्ट, ऊपर के इसके थ्योरी को थोड़ा सा जज करेंगे, क्या मैंने लिख के दिया इसमें, सेट A इज सेट टू बी सबसेट ऑफ सेट B। सेट ए को सेट बी का सबसेट कब बोलेंगे, इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एलिमेंट ऑफ सेट बी, यानी ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होनी चाहिए। तो क्या अभी जैसा आपका सवाल दिमाग में उठा होगा कि क्या ये फिर दोनों इक्वल हैं, इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने ये दोनों सेट्स आपको क्लियर कर दिया है। यहां पे सेट ए में मैंने 1 3 5 7 लिया और सेट बी में मैंने 1 3 5 लिया, तो अभी यहां पे क्या होगा, B इज द सबसेट ऑफ A, रीजन आपको समझ में आया, सारे एलिमेंट हैं, तो क्या A इज द सबसेट ऑफ B, इसको लिख सकते हैं क्या अपन यहां पे, नहीं। तो इसको हम इसको क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं है ऐसा, बिल्कुल नहीं। तो इस एग्जांपल से आपको इसके कंसेप्ट भी पता लग गया कि सबसेट क्या होते हैं। अब नेक्स्ट बात कर रहा हूं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाते हैं, नोट पॉइंट जो है जो बहुत ही यूजफुल होते हैं, बहुत सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं उसको अपन नोट पॉइंट में लिख के देते हैं कि ताकि आपको दिमाग से फिसल न जाए। जैसा बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सारा सेट चाहे उस सेट कौन सा भी हो, मैंने ए की बात किया तो ए के साथ में सबसेट है उसके, ए एलिमेंट में सारे एलिमेंट तो प्रेजेंट रहेंगे ना ए के साथ में, तो अपन इसको लिख सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ बी, यानी हर कोई हर इसमें खुद में वो एक सबसेट है, ऐसा मानना होगा। नेक्स्ट वन नोट पॉइंट में, एम्प्टी सेट जिसको तुम क्या बोले, फाई बोलते थे अपन, फाई इज द सबसेट ऑफ एम्प्टी सेट, यानी सॉरी एम्प्टी सेट नहीं एवरी सेट। अब एक बात समझिए कि एम्प्टी सेट फाई कुछ नहीं है तो कम से कम तो फाई तो रहेगा ना वहां पे, तो फाई इज द सबसेट ऑफ क्या है, एवरी सेट। ये दोनों नोट पॉइंट को आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से इसको लिखिएगा, बाकी सारा नेक्स्ट में आपको और भी बातें बता रहा हूं, नोट डाउन।
अच्छे से ध्यान से लिखिए, सारे पॉइंट क्लियर करते चलिए।